मुल्ला ताहिरुल कादरी हिंदुस्तान आ रहा है, और अफसोस की बात यह है कि उसे लखनऊ आने की दावत मुल्ला कल्ब जवाद ने दी है। यह सूफी समाज का एक बड़ा मुल्ला है, इसका क्या अकीदा इसकी तकरीर से साफ जाहिर हो रहा है। असल में सूफी वजूद में क्यों आए और कब आए? एक जमाने में बड़े पैमाने पर लोग खिलाफत को छोड़कर इमामत की तरफ बढ़ने लगे, तो साजिशन एक तबका ऐसा बना जिसको आज सूफी समाज कहते हैं, और उन्होंने इमामत की तरफ बढ़ते हुए लोगों को रोका, उनको समझाया कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, हम भी करते हैं, तुम हजरत अली की मदा करना चाहते हो, हम भी करते हैं, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, तुम इमाम हुसैन अलैह सलाम से मोहब्बत करते हो, उनके मसाइब पर रोना चाहते हो, हम भी रोते हैं, लिहाजा इमामत के बजाय सूफी समाज को इख्तियार करो। ये वो दोगला समाज है जो दिखावे में अहले बैत से मोहब्बत तो करता है, उसको नुमाया करता है, हजरत अली की मदह भी करता है, इमाम हुसैन अलैह सलाम और दीगर आले रसूल के मसाइबों को बयान भी करता है, लेकिन खुलफाए राशिदीन के जुल्मों पर पर्दा डालता है, उनकी हिमायत भी करता है, यानी कि हक और बातिल दोनों की पैरवी एक साथ की जाती है इस दोगले सूफी समाज में। पहले खलीफा और दूसरे खलीफा ने मिलकर बागे फितर जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैह से छीना, दूसरे खलीफा उमर इब्ने खत्ताब ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहजादी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह के घर में आग लगाई, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराकर उनको जख्मी किया, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। बस इन जुल्मों पर मुसलमान पर्दा डालना चाहते हैं, इसको छुपाना चाहते हैं। तीन बाप की मुश्तरका पैदाइश माविया ने हजरत अली अलैहि सलाम की मुखालफत की, उनके मुकाबले में खड़ा हुआ, उनको कत्ल करवाने की साजिश की और कत्ल करवाया। माविया का मतलब भौंकती हुई कुतिया, जिसके बाप का भी कोई पता नहीं था, जिस पर हमारे रसूल ने भी लानत की है। अली से मोहब्बत सुन्नत रसूल है, और जो भी अली के मुकाबले में आया या जिसने बाद रसूल अली का हक मारा, यानी कि खुलफाए राशिदीन, सब ने रसूल की सुन्नत से मुंह फेरा है, और जो रसूल की सुन्नत पर अमल ना करे वो इस्लाम का खलीफा हो ही नहीं सकता। जनाब अबू तालिब से दुश्मनी इसलिए है कि बुग़्ज़ अली है तुम्हारे दिल में। कहते हो अबू तालिब तो काफिर थे, उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा, वो मुसलमान ही नहीं हुए। अल्लाह ने तुम्हारे मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है कि जनाब अबू तालिब क्या जब औलाद पैदा होने लगी, यानी कि हजरत अली की पैदाइश, तो अल्लाह ने अपने घर काबे में अली की पैदाइश का इंतजाम कराया, यानी कि हजरत अबू तालिब के घर का जचा खाना अल्लाह का घर काबा है, और तुम्हारे लिए वाजिब कर दिया मुसलमानों कि तुमको एक बार हज जरूर करनी है, उमरे पे जरूर जाना हो, जब भी काबे में दाखिल होना है तो उस काबे के चक्कर जरूर लगाने हैं, उसका तवाफ जरूर करना है जो अबू तालिब का जचा खाना है। अल्लाह की मसलहत से वहां हजरत अली पैदा हुए, जिससे तुम्हें बुग्ज है उसकी जगह जहां वो पैदा हुआ था उसकी जगह चक्कर लगाते हो, ये तुम्हारे मुंह पर अल्लाह की तरफ से तमाचा है जो बुग्ज अली अपनी दिलों में रखते। हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक हमको हमारे अकीदे पर अमल करने की पूरी इजाजत है। शियान अली का यह अकीदा है कि अल्लाह और उसके रसूल और कलाम पाक पर एतिकाद, अहले बैत से मोहब्बत, इमामत पर अकीदा, दुश्मनान आले रसूल से नफरत और उन पर लानत, हमारी किताबों में शहजादी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह के कातिलों में शामिल उमर इब्ने खत्ताब पर लानत है, बागे फिदा छीनने वाले खलीफाओं पर लानत है, मौला अली के मुकाबले आने वाली भौकती कुतिया जिसका नाम माविया था उस पर लानत है, इमाम हुसैन को शहीद करने वाले यजीद और उसके काफिले पर लानत है। यह हमारा अकीदा है और खुले तौर पर इस पर लानत करने का हमको अधिकार है, और यह संविधान हमको अधिकार देता है कि हम उन पर लानत करें। हमारा अकीदा
हमारी तादाद कम होने की वजह से छीनने की कोशिश करते हो। वो अधिकार जो हमको संविधान ने दिया है, अगर हमारी तादाद कम है तो तुम हमारे पर जुल्म और ज़ाती कर हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करते हो। अगर कोई एक ऐसा तबका जो ऐसे लानतियों पर को अच्छा कहता है, उनको मानता है, ये उनका दुनियावी अधिकार है, वो उन्हें माने, हमारे फिरके की तरफ से कभी भी एतराज नहीं होता या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जो इस्लाम में लानती खलीफाओं या सहाबाओं के का एहतराम करते हैं या उनको मानते हैं, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है जहां रावण को जलाया भी जाता है और रावण को माना भी जाता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे शिया फिरके के कुछ दलाल खिलाफत को मानने वाले नाजायज मुसलमानों से इत्तेहाद की बात करते हैं, उनको अपनी जान और रूह बताते हैं। कितनी शर्म की बात है, इल्म हासिल करने के बाद, सारी हकीकत से वाकिफ हो जाने के बाद, अगर इंसान जुल्म और जालिम की हिमायत करे तो उसके नुथुए में जरूर शक की निगाह से देखना चाहिए, कहीं ना कहीं खराबी जरूर होगी। दुनिया जानती है बादे रसूल जब मौला अली का हक मारते हुए खिलाफत का ऐलान हुआ और अबू बकर को पहला खलीफा डिक्लेयर किया गया, उसके बाद से खिलाफत के मुकाबले में इमामत वजूद में आई, मौला अली को पहला इमाम माना गया और उसको मानने वाले शियाने अली कहलाए। खुलफाए राशिदीन की बदकिरदारी और अहले बैत पर किए गए जुल्मों को जानते हुए भी आज उनको अच्छा कहने वालों से जो मजहबी इत्तेहाद की बात करते हैं वो भी लानत के काबिल है। दुनिया भी दोस्ती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे काफिर हो, चाहे यहूदी हो, वो किसी फिरके से भी ताल्लुक रखने वाला हो, लेकिन मजहबी इत्तेहाद उनसे कतई नहीं हो सकता जो आले रसूल के कातिलों में शामिल होने वालों को अच्छा कहते हैं और उनका एहतराम करते हैं। आज कुछ अहले बैत के दुश्मन शियों की जमात में मोहब्बत अहले बैत का झूठा नाटक कर घुस आए, हमारी महफिलों में आकर इमाम हुसैन मजलूम के मसहबों को बयान करते हैं, मौला अली के फजाइलों को बयान करते हैं और उनके साथ उन दोगले सहाबाओं की भी मदह करते हैं जिन्होंने बादे रसूल आले रसूल पर जुल्म किए हैं, और हम बेगैरती के साथ में इस तरह की तकरीरें सुनते हैं और तबर्रा जो हमारा अकीदा है उससे परहेज करते हैं। सोचिए कि हम में से कोई खुलफाए राशिदीन के मानने वालों की महफिलों में चला जाता है तो क्या वो हमारा एहतराम करते हैं कि हम इमामत को मानने वाले हैं, खुलफाए राशिदीन के जुल्मों की वजह से उनसे नफरत करते हैं, हम उनको नहीं मानते, तो क्या वो हमारे लिहाज में उनकी मदह नहीं करते? वो जानकर और ज्यादा मदह करते हैं, हमको जलील करते हैं, ताकि हम उनकी महफिल में आए हैं तो सुने। इसलिए शियाने अली को भी चाहिए कि जब ऐसे दोगले सूफिया खलीफाओं को मानने वाले, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले ऐसे मुल्ला या मौलवी या शख्स हमारी महफिलों में आकर खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत रखते हुए दोगलापन दिखाता है तो हमें चाहिए हम अपने अकीदे के हिसाब से पुरजोर तरीके से तबर्रा करें। ऐसे लोगों के लिए तबर्रा लाजिम है। अगर उसके दिल में शैतान होगा या शैतान बसता होगा तो वो तबर्रे की सदा सुनकर खुद हमारी महफिल से चला जाएगा और अपनी असलियत दिखाएगा। और अगर दिल में वाकई अहले बैत से मोहब्बत है और दुश्मनाने अहले बैत से दुश्मनी रखता है, उनसे नफरत करता है, तो वो हमारी महफिल में बैठेगा और तबर्रे पर लबैक करेगा। ए हुसैनियों, दिल में इंतकाम हुसैनी बरकरार रखो। हमारी तादाद पर कम है, उस पर गौर मत करो कि तुम कम हो, एक दिन वक्त हमारा जरूर आएगा और दुश्मनाने अली के गरेबान होंगे और हमारा हाथ होगा।
इस पर भरोसा करो और अपने अकीदे के लिहाज से कोई समझौता मत करो। और ऐसे लोगों को जो खलीफाओं को मानते हैं, जो दुश्मनान अहले बैत को मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं, हमारी महफिलों में आते हैं और हमको भड़काते हैं और दिखावे में तो मदाह अली करते हैं, अहले बैत के जुल्म को रोते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन साथ में मदे सहाबा भी करते हैं, उन सहाबाओं की मदा करते हैं कि जो दुश्मनान अहले बैत थे उनसे नफरत करो और उनका जवाब उसी महफिल में तबर्रे से दो, तब उनकी असलियत सामने आएगी।